अरे लैपटॉप का रिव्यू तो ले आया मैं, लेकिन आप लोग ने ये ध्यान दिया होगा कि भाई एक्सेसरीज कैसे भूल गया। मैं ही नहीं, सारे क्रिएटर्स, मैंने जहां तक रिव्यूज देखा, जिन लोगों ने भी इन्फिनिक्स जीटी बुक का रिव्यू किया, साथ में एक्सेसरीज मिल रहा है, उसको डिटेल्ड में किसी ने बताया ही नहीं कि ये है कैसा, क्योंकि एक्सेसरीज का भी पैसा कहीं ना कहीं एड अप तो हो रहा है ना आपके लैपटॉप के प्राइस में। देखो यार, इन्फिनिक्स लैपटॉप का मैंने रिव्यू कर रखा है, जिन लोगों ने नहीं देखा भाई जाकर देखो, डिटेल्ड मैंने बता रखा है, और अनबॉक्सिंग में फ्लिपकार्ट से लेने के बाद क्या क्या ध्यान रखना है वो भी मैंने बता रखा है, तो आप लोग जाकर वो चेकआउट मारो। इन बिटवीन इस वीडियो में इन्फिनिक्स के साथ जो एक्सेसरीज मिलता है, क्या मिलता है, कितना फायदा है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो इसी बात पर अनबॉक्स कर लेते हैं। लैपटॉप से बड़ा तो एक्सेसरीज का बक्सा है, एंड पैकेजिंग भी अच्छा है, साथ ही इसके अंदर आपको एक हेडफोन मिल जाता है जिसका साइज कुछ काफी बड़ा है, और एक गुड लुकिंग माउस मिल जाता है या माइस जो आप कहना चाहो, एंड एक RGB ट्रैक पैड मिल जाता है। बट इस RGB ट्रैक पैड के साथ कोई चार्जर क्यों नहीं दिया भाई लोगों ने, ऊपर से इसमें सी टाइप भी नहीं है, ओल्ड जेन चार्जर टाइप है, डोंट नो, मिसप्लेस तो नहीं हो गया। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को साथ में चार्जर मिला है कि नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। चलो अब इन डिवाइसेस का क्वालिटी चेक मार लेते हैं। वैसे एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा, या अगर आपने ध्यान दिया होगा, कि अभी तक लैपटॉप इंडस्ट्री में सारे, स्पेशली HP भी आपको प्रोडक्ट देता है, या तो हेडफोन या तो माउस, कुछ ना कुछ गिफ्ट में, मैक्सिमम जो उनका प्रीमियम लैपटॉप है उसके साथ देता है, लेकिन बहुत कम ऐसे ब्रांड हैं जो आपको इस तरह के एक्सेसरीज अलग से पैक कर कर देते हैं। सो दिस कैन बी ए स्ट्रेटजी जो कि इन्फिनिक्स खेल रहा है, बट अगर उनके लैपटॉप में दम नहीं होता तो मैं कह भी सकता था, बट लैपटॉप मुझको परफॉर्मेंस ठीक ठाक दिया, कुछ कमियां थी, उसके लिए इन्फिनिक्स GD बुक का वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं इनका हेडफोन। देखो भाई, हेडफोन काफी बल्की है, एंड लिटरली गेमिंग लुक्स के साथ देखने को मिलता है। जिसको भी बल्की हेडफोन पसंद है, आई थिंक उनके लिए तो काफी सही रहेगा, और जिनका थोड़ा सा सर छोटा है उनके लिए दिक्कत पड़ने वाला है, क्योंकि फिटिंग हेड के साइज डिफरेंस के अकॉर्डिंग, तो मेरे सर पर तो ये ठीक ठाक फिट हो रहा है, तब भी थोड़ा सा ऊपर के साइड से थोड़ा सा गैप काइंड ऑफ फील हो रहा है, बट रेस्ट मेरी टीम मेंबर सबने इसको लगाकर देखा, दे आर सेइंग इट्स गुड, बट फिट की जहां तक बात करें तो थोड़ा सा ये चीज छोटा होता तो बेटर होता, कंफर्ट के मामले में इट्स ओके, एंड जहां तक इसका ये फ्लफीनेस, उसकी भी क्वालिटी ठीक ही लग रही है, बट इसमें जो इसके जाली के अंदर आपको RGB देखने को मिलता है, चेंजिंग RGB नहीं है, सिंगल जो दे दिया सो दे दिया, इसका क्वालिटी देखने में जबरदस्त लगता है दोस्तों, और अगर फ्री में हो तो क्यों ना लगेगा। इसको आप ऑफ भी कर सकते हो क्या? नहीं, देयर इज नो बटन टू ऑफ इट, लेकिन साथ में इसको आपको एक कंट्रोलर मिल जाता है साउंड का, जो को आप ऑन दी गो यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, और माइक को भी ऑन ऑफ कर सकते हो, और ब्रेडेड केबल मिलता है जो कि काफी लंबा चौड़ा देखने को आपको मिलता है। एक अच्छी बात मुझे वो ये लगी कि भाई इसमें आपको दो केबल नहीं दिया गया है, कि भाई एक से RGB चलेगा और एक 3.5 mm का आपको अलग से जैक दिया है कि उसको लगाकर आप गाना सुनो, तो दो केबल लगाना यार थोड़ा दिक्कत होता है, लैपटॉप में ज्यादा जगह लेता है, लेकिन अगर एक सिंगल ऑन USB टाइप ए से आपका RGB और आपका माइक, आपका हेडफोन तीनों कनेक्ट हो जाए तो उससे अच्छी बात क्या है। करेक्ट। जहां तक इसकी साउंड क्वालिटी की बात है, तो हमने इसको अप्रोक्सीमेटली फुल साउंड पर सुनकर देखा, पे डिस्टॉर्शन की जहां तक बात है माइनर है, मतलब डिस्टॉर्शन नहीं कहेंगे, बट अगेन थोड़ा हाई पिच में सॉफ्टनेस कम हो जाता है, 70-80% पर मेरे को दिक्कत उतना महसूस नहीं हुआ। मैंने एग्जैक्टली अपने सारी टीम को कहा कि भाई चेकआउट करके देखो क्या लगता है आपको, सबका मिक्स रिएक्शन था, बट ओवरऑल इन एंड सबका रिएक्शन एवरेज के ऊपर था, कि भाई फ्री में ऐसी चीज देना मुश्किल है, उस हिसाब से अगर क्वालिटी को जज करें तो बेस भी ठीक है, एवरेज से ऊपर है, साउंड क्वालिटी भी एवरेज से ऊपर है, फिट भी Okay है, एंड ओवरऑल क्वालिटी आई कैन से फ्री में तो अच्छा है। एंड जहां तक इसके माइक क्वालिटी को भी हमने चेक किया, अभी जेब्रोनिक्स का मैंने वीडियो बनाया था, आप जाकर देखना, उसमें तो पैसा लगा के जेब्रोनिक्स खरीदा था, और ये वाला फ्री आइटम का जो माइक क्वालिटी है, इट्स बेटर देन दैट, चेक आउट करो आपको पता चल जाएगा। अब रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं कुछ बोल के, तो देखते हैं कैसी आवाज आ रही है मेरे यहां से माइक, कमेंट बताना आपको माइक क्वालिटी कैसा लगा। जहां तक इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात है, तो देखो यार, बाहर से तो ये आपको मेस मिलता है, ये थोड़ा मेटल का मिलता है, ये प्लास्टिक का मिलता है, लेकिन ये जो आइटम है ऊपर, ये मेटल है आपका कंप्लीटली, और ये एक आपको कंफर्ट देने वाला है आपके हेड रेस्ट के अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं नेक्स्ट गैजेट पर, इसको रखते हैं साइड, जो कि है अपना एक माउस।
कोई भी माउस आप खरीदने जाते हो मार्केट में तो कम से कम सस्ते से सस्ता 600-700 रुपया पड़ता है, 1000 रुपया पड़ता है, 250-300 के ऊपर पोलिंग रेट देखने को नहीं मिलता है। इसमें जो हमने चेक किया तो 500-550 पोलिंग रेट आराम से निकाल कर ये माउस दे रहा है, उसके हिसाब से अच्छा है। माउस फ्री में बिल्कुल इन्होंने रेजर वाला लुक दिया है, मतलब आपको इनहैंड फील अच्छा फील होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ ही इसमें आपको फुल ऑन RGB का इफेक्ट भी देखने को मिलता है एंड वेट थोड़ा सा ज्यादा है, 123-124 ग्राम के अराउंड है। सब कुछ तो नहीं दे देंगे ना फ्री में, लेकिन इसमें आपको कस्टमाइजेबल बटन मिलते हैं, साथ ही इसमें आपको 7 बटन लेआउट मिल जाता है जिसमें आप 4 बटन को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। DPI मेरे को बिलीव नहीं हुआ भैया, इसमें आपको DPI अप्रोक्सीमेटली, मैंने कहीं मेरे को दिखा नहीं लिखा हुआ, बट 6000 के अराउंड मेरे को फील हुआ DPI जब मैंने खुद से चेक किया। प्लस हमने जो भी गेम अभी लेटेस्ट लैपटॉप जो हमने रिव्यू किया है उसको हमने इसी माउस से टेस्ट किया है एंड इट फील्स गुड। RGB भी अच्छा है, DPI भी अच्छा है, पोलिंग रेट भी अच्छा है एंड साथ ही आपको ब्रेडेड केबल मिलता है जिसका साइज अच्छा खासा है, वेट थोड़ा ज्यादा है, एडजस्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत। लेकिन लास्ट में जो ये आइटम है जो कि है अपना माउस पैड, वो भी RGB वाला, ये एक अच्छा चीज है जो कि आप अपने PC सेटअप पर या लैपटॉप डेस्क सेटअप पर रख सकते हो। क्लीन लुकिंग ब्लैक फिनिश के साथ है, इनफिनिक्स GT का इसमें आपको ब्रांडिंग मिलता है, साथ ही आपको इसमें RGB लाइट भी देखने को मिलती है, कोई अलग से बटन नहीं है कस्टमाइजेशन के लिए। लेकिन एक ही प्रॉब्लम था, आप लोग बताना, मेरे को इसके साथ इसका चार्जर नहीं मिला क्योंकि इसमें ओल्ड पोर्ट मिलता है जो कि पुराने मोबाइल में लगते थे, वो टाइप के पोर्ट। अगर आपके पास केबल है फिर तो आप, कोई दिक्कत नहीं थी, तो अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा। आपको मिला तो कमेंट करके बताना दोस्तों जरूर, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसी बात पर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अपकमिंग लैपटॉप्स रिव्यू आने वाले हैं जिसमें हम लोग LOQ i5-12450HX 3050 एंड डेल G15 को भी रिव्यू करने वाले हैं। एंड इस लैपटॉप से या इसके एक्सेसरीज से कोई रिलेटेड क्वेरी हो तो बताना, पूछना जरूर कमेंट में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।